नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री सिरिंग तोबगे के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्र का योगदान आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेजी से बढ़ाया जाना जरूरी। जम्मू कश्मीर में शोपियां से अपहृत पुलिस कांस्टेबल का गोलियों से छलनी शव बरामद। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने बैंकों को लंदन में विजय माल्या की परिसंपत्ति जब्त करने का विकल्प दिया। अमरीका ने पाकिस्तान से कहा, ठोस और निर्णायक कदम उठाकर तालिबान को अफगानिस्तान सरकार से बातचीत के लिए तैयार करे। फीफा विश्व कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से, फ्रांस का सामना उरुग्वे से और ब्राजील का मुकाबला बेल्जियम से। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज कार्डिफ में। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान के प्रधानमंत्री सिरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। श्री तोबगे 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल श्री तोबगे से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग के विशेष संबंध हैं, जो आपसी समझ और विश्वास पर आधारित है। भारत भूटान के राजनयिक संबंध 1968 में थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ शुरू हुए थे। वित्त, रेल तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री तोबगे की यह यात्रा दोनों पक्षों को पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों देशों के लोगों के हित में अनुकरणीय मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य हिंदू और बौद्ध सभ्यता में निहित हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्रों का योगदान उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेजी से बढ़ाया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के टोक्यो में आयोजित संगोष्ठी संवाद की 4वीं कड़ी के अवसर पर वीडियो संदेश के जरिए ये बात कही। संवाद की इस कड़ी का विषय है एशिया में साझा मूल्य और लोकतंत्र। श्री मोदी ने कहा कि एशिया के सर्वाधिक प्राचीन हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच संवाद की दार्शनिक और सांस्कृतिक धरोहर से बेहतर समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज दे विल हेल्प द एवोल्यूशन ऑफ द एशियन डेमोक्रेसीज। ओपननेस एंड नॉट डॉग्मा एंड एंगेजिंग इन फिलोसॉफी एंड नॉट आइडियोलॉजी गिव अस आवर शेयर्ड हेरिटेज ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। This philosophical and cultural heritage of dialogue in the two most ancient Asian faiths, Hinduism and Buddhism, helps us promote better understanding. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल एक मतदान प्रणाली नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और परस्पर सम्मान जैसे मूल्यों के साथ ये सबके हित के लिए समर्पित है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, the Asian values of mutual accommodation and respect enable democracies to function on the consensual model and not purely in a competitive model. As Asian democracies rise in economic and political stature, that contribution to global discourse will need to enhance rapidly. I am confident that Samvad will greatly enhance the capacity of Asian democracies to contribute to fulfillment of human endeavor. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संवाद में कहा कि बौद्ध धर्म ने जापान के सैद्धांतिक आधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये भारत तथा जापान दोनों की साझा विरासत है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके से कल संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा अपहृत पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार का गोलियों से छलनी शव आज सवेरे बरामद कर लिया गया। 4 अज्ञात आतंकवादियों ने कल एक स्थानीय मेडिकल स्टोर से कांस्टेबल जावेद अहमद डार का अपहरण कर लिया था। अभी तक किसी भी आतंकी गुट ने डार की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है।
कांस्टेबल जावेद अहमद डार जिले के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थे। इस बीच जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के परिगाम इलाके में एक इमाम को नमाज के दौरान गोली मार दी। सुरक्षा सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि बिजबिहाड़ा अनंतनाग के इमाम मोहम्मद अशरफ ठोकर के पेट और उसके आसपास के अंगों पर कई गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी भी आतंकी गुट ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुन किसान भारत की शान है जो वरदान भूजल का, सुन किसान भारत की शान है जो वरदान भूजल का, कर ख्याल अब ले संभाल हर बूंद का कतरा कतरा, हर बूंद का कतरा कतरा, खींच उतना बस खींच उतना होना, भूजल के सर को खतरा, बर्बादी जल की है बर्बादी कल की, आने वाली आहट को सुन ले जरा, कर ख्याल भूजल बचाओ अपना कल बचाओ। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आसमान असीमित है और जो खुद असीमित है बस वही रंग सकते हैं इसे गौरव और महिमा से। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं अपने देश की सुरक्षा तो बनिए हिस्सा इंडियन एयरफोर्स का। ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए रजिस्टर करें 16 जून से 15 जुलाई 2018 तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerindianairforce.cdac.in पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भारतीय बैंकों को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की लंदन में परिसंपत्तियों की तलाशी लेने और बकाया राशि की वापसी के लिए उन्हें जब्त करने का विकल्प दिया है। जस्टिस बारन के पिछले महीने की 26 तारीख के आदेश के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी और उनके एजेंट लंदन में माल्या के घर में प्रवेश कर सकते हैं। माल्या पर लगभग 9000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुपात में बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान से कहा है कि ठोस और निर्णायक कदम उठाकर तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार करे। दक्षिण एशिया के लिए अमरीका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स मंगलवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बैठक और काबुल में अफगान नेताओं के साथ बातचीत के बाद लौट आई हैं। वाशिंगटन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तालिबान नेताओं पर अफगानिस्तान से बातचीत के लिए दबाव बनाने को कहा गया है। उन्होंने संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सकारात्मक उपायों की सराहना की। प्रधानमंत्री जनधन योजना महाराष्ट्र में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक देश के हर नागरिक की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना है। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र देश में छठे स्थान पर है। हर एक व्यक्ति को विकास और समृद्धि के लाभ मिल सके इस दृष्टि से यह योजना नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। इस योजना के एक लाभार्थी शंकर पवार जो औरंगाबाद शहर में मजदूरी का काम करते हैं उन्होंने बताया कि सरकार के सभी अनुदान बैंक खाते में आ रहे हैं। इससे यह प्रधानमंत्री जनधन योजना उपयुक्त साबित हुई है। जनधन योजना का मैंने भारतीय स्टेट बैंक जाधववाड़ी इसमें मेरा खाता है उसके ऊपर मैं गैस का भी नंबर देवा है। गैस के पैसे आते व्यवसाय करता तो उसका पैसा थोड़ा जमा होता, अभी जीरो बैलेंस होने से मेरा कुछ पैसा कटता नहीं। उसमें सरकार ने जो ये योजना निकाली है हमारे लिए बहुत अच्छी मालूम हो रही है मेरे को। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जनधन योजना के बड़ी तादाद में खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना देश के हर परिवार के आर्थिक विकास के लिए कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। नितिन गायकवाड़, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद। रूस में 21वें विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच आज से खेले जाएंगे। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला उरुग्वे से और दूसरे में ब्राजील का सामना बेल्जियम से होगा। और ब्यौरा खेल डेस्क से।
1998 की चैंपियन फ्रांस की टीम जब मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा अपने अनुभवी एंटोनी ग्रिजमैन और ओलिवर गिर्राट के साथ साथ नए स्टार काइल एम्बापे की बदौलत उरुग्वे को हराकर अंतिम चार में प्रवेश करने का होगा। पिछले मैच में 19 वर्ष के एम्बापे ने 5 मिनट के अंतराल में अर्जेंटीना पर 2 गोल दागकर फ्रांस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल दागे हैं, फ्रांस नहीं हारा है। ऐसे में उरुग्वे की रक्षा पंक्ति को एम्बापे को रोकने के लिए कुछ अलग ही रणनीति बनानी होगी। दो बार के चैंपियन उरुग्वे की टीम का दारोमदार कप्तान कवानी और तेज सरदार फॉरवर्ड लुइस सुआरेज की जोड़ी पर होगा। उधर 5 बार के चैंपियन ब्राजील ने नेमार के नेतृत्व में धीरे धीरे लय पकड़ ली है, जबकि बेल्जियम जापान के खिलाफ पिछले मैच में उलटफेर का शिकार होने से बाल बाल बचा। बेल्जियम के खिलाड़ियों को ब्राजील की रक्षा पंक्ति को भेदने में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, जिसने टूर्नामेंट में अब तक केवल एक गोल खाया है। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। टूर्नामेंट के बाकी 2 क्वार्टर फाइनल कल खेले जाएंगे। खेल के अन्य खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 मैच कार्डिफ में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल 9:30 से प्रसारित किया जाएगा। उधर इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की ही बिंगजियाओ से और पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणय का मुकाबला चीन के क्षी यूकी से होगा। विम्बल्डन टेनिस चैंपियनशिप में भारत के रोहन बोपन्ना और फ्रांस के एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की जोड़ी तथा विष्णुवर्धन और एन बालाजी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के सिटाक की जोड़ी ने भी अगले दौर में जगह बना ली है, जबकि जीवन नेदुन चेजियन और ऑस्टिन क्राइजिक की जोड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को निकालने का काम चौथे दिन भी जारी है। सिमिकोट से अब तक 971 तीर्थयात्रियों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पूर्व सांसद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी को एक श्रेष्ठ शिक्षाविद, कुशल प्रशासक और एक स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nsa.in पर भी उपलब्ध हैं। अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो आपको आपके परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये हृदय रोग, एम्फिसीमा, मुंह या फेफड़ों के कैंसर का कारण बनेगा? जितनी बार आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-9010-701 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे पहचान लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद कनक। दिल्ली सरकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी स्थिति न बदलने और भगोड़े विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियां जब्त करने का रास्ता खुलने की खबर आज अखबारों की अहम सुर्खियां हैं। माल्या की संपत्ति को लेकर दैनिक जागरण की सुर्खी है, ब्रिटेन में वसूली का रास्ता खुला, ब्रिटिश हाईकोर्ट के आदेश से 10,000 करोड़ रूपये की वसूली संभव। अमर उजाला ने लिखा है, बल प्रयोग की भी मंजूरी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दिल्ली किसकी, विवाद जारी, अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर आकर अटके आप। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में तबादलों को लेकर फिर खिंची तलवार। पंजाब केसरी कहता है, दिल्ली में जंग रहेगी जारी, कोर्ट के फैसले के बाद भी स्थिति जस की तस। हिंदुस्तान लिखता है, केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से अफसरों ने किया इंकार। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, दिल्ली का फैसला अभी दूर। हिंदुस्तान ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को प्रमुखता से छापा है, यूनिटेक की संपत्ति बेचकर खरीदारों का पैसा लौटाएं। अमर उजाला ने बताया है कि 618 एकड़ की जमीन की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। और हिंदुस्तान ने अंतिम प्रश्न पर लिखा है, ताजा शोध से पता चला, सकारात्मक सोच से घटती है दिमाग के बूढ़े होने की गति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री सिरिंग तोब्गे के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्र का योगदान आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेजी से बढ़ाया जाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में शोपिया से अपहृत पुलिस कांस्टेबल का गोलियों से छलने शव बरामद हुआ है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने बैंकों को लंदन में विजय माल्या की परिसंपत्तियां जब्त करने का विकल्प दिया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से होंगे, फ्रांस का सामना उरुग्वे से और ब्राजील का बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।